नमस्कार, मैं पंकज दुबे और आप देख रहे हैं सागर टाइम्स न्यूज। सागर संभाग से पूरे बुंदेलखंड सहित देश विदेश की ताजा तरीन खबरें और उनके पीछे का सच पूरी सटीकता एवं निरंतरता के साथ देखने के लिए इस चैनल को अधिक से अधिक लाइक, शेयर एवं सब्सक्राइब जरूर करें। आइए देखते हैं ब्रेकिंग न्यूज। नमस्कार, सागर जिले के खुरई में अतिक्रमण हटाने की कार्रवाई जोरों पर चल रही है। जी हाँ, खुरई प्रशासन ने 3 जगहों से हटाया है अतिक्रमण। लगभग 2 करोड़ से अधिक की जमीन मुक्त कराई गई है। जी हाँ, दरअसल खुरई में लगातार अवैध अतिक्रमण हटाए जाने की कार्रवाई जारी है। तहसीलदार इसरार खान ने राजस्व व नगर पालिका टीम के साथ शहरी थाना प्रभारी अनूप से व भारी पुलिस बल की मौजूदगी में 3 स्थानों से अतिक्रमण हटाया है। खिमलासा रोड पर मोहली बुजुर्ग गांव में विपुल कृषि यंत्र निर्माण की फैक्ट्री का अवैध अतिक्रमण तोड़ा गया है। उसके सामने खेत से भी अतिक्रमण हटाया गया है। इसके बाद बाईपास रोड पर जगदीशपुरा गांव क्षेत्रों में 2 खेतों से अतिक्रमण हटाकर फसल को नष्ट किया गया है। दरअसल यह जमीन दुग्ध संघ के लिए आरक्षित थी। इस पर चुन्ना और बसरार रायन का अतिक्रमण था। तहसीलदार इसरार खान ने जानकारी देते हुए बताया है कि इस कार्रवाई में लगभग 2 करोड़ से अधिक की जमीन अतिक्रमण से मुक्त कराई गई है। सुनिए जरा तहसीलदार ने इस संबंध में क्या कहा। बुजुर्ग जो खुरई से लगते ही ग्राम स्थित है, वहाँ लगभग 12,000 के मार्ग पर स्थित 12,000 वर्ग फीट जिसकी बाजार कीमत लगभग 40 लाख रुपए है, फुल इंडस्ट्रीज के कब्जे में थी, उसे हमने मुक्त कराया है। इसके अलावा ग्राम जगदीशपुरा जो खुरई बाईपास पर स्थित मुख्य मार्ग नहीं हुई है, चुन्ना और इसरार राइन के कब्जे में लगभग 2.5 एकड़ भूमि है। इसमें दुग्ध संघ को जो अलॉटेड 1 एकड़ जमीन है उस पर भी कब्जा किया था। इस पूरी जमीन की बाजारू कीमत लगभग 2 करोड़ रुपए है और हमने आज इन्हें मुक्त कर दिया।